पहाड़ों में टैलेंट की कमी नहीं होती। कुछ को सही समय पर गाइडेंस और सपोर्ट मिल जाता है तो वह जल्दी सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ आर्थिक तंगी के कारण संघर्ष ही करते रह जाते हैं और गुमनाम रह जाते हैं। आज हम आपको पहाड़ों की बेटी मृदा की बात करेंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर एक नया मुकाम हासिल किया है। मृदा गैरोला उत्तराखंड के चमोली जिले के बागंडी कपीरी पट्टी के मूल निवासी हैं। मृदा का परिवार दिल्ली में रहता था, जिसके कारण मृदा ने द्वारिका मॉडल पब्लिक स्कूल दिल्ली से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद दिल्ली से ही उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मुंबई के मेडिकल कॉलेज में MDM में दाखिला लिया और वह गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उनके पिता चाहते थे कि वह एक IAS अफसर बने, बस फिर क्या था, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना ध्यान UPSC की परीक्षा में लगाया और डॉक्टरी छोड़कर तैयारी शुरू कर दी। साल 2018 में उन्होंने पहली बार UPSC की परीक्षा दी, जिसमें वह इंटरव्यू राउंड तक पहुंची थी। इसके बाद 2019 में फिर से उन्होंने UPSC के इंटरव्यू दिया, इस बार भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि 2020 में वह मेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर सकी। हार ना मानते हुए साल 2021 में उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने 165वीं रैंक के साथ UPSC परीक्षा पास की और बन गई IPS ऑफिसर। हालांकि उनका सपना तो IAS ऑफिसर बनने का था। साल 2022 में 53वीं रैंक के साथ UPSC क्लियर करके वह IAS ऑफिसर बनने में कामयाब रही। मृदा जी की सक्सेसफुल स्टोरी से एक सीख तो हमें जरूर मिलती है, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिरागों को हवा देते हैं। तो दोस्तों, मृदा जी की यह सक्सेसफुल स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे नॉलेजबल और सक्सेसफुल स्टोरी लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।